में जो लड़कियाँ होती हैं ना अपनी दादी नानी से परियों की कहानी सुनती हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे वैसे ख्यालात होते हैं, प्यार मोहब्बत राजकुमार आएगा ये वो, बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सब पता चलता है सब बीमारी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मैं सुना रही हूँ तो आप लोग ये ना सोचे कि ये मेरी आप बीती है, हो सकता है किसी और पर बीती हो, अक्सर ऐसा होता है, बट ठीक है। एक अरसा बीतने के बाद परियों की कहानी सच्ची नहीं लगती, एक अरसा बीतने के बाद परियों की कहानी सच्ची नहीं लगती, अब जब देखती हूँ अपने आप को तो बच्ची नहीं लगती। बेपनाह मोहब्बत बेवक्त मिले, बेपनाह मोहब्बत बेवक्त मिले, कितनी भी सुहानी हो अच्छी नहीं लगती, एक अरसा बीतने के बाद परियों की कहानी सच्ची नहीं लगती। अब खूबसूरत सी सुबह कम ही नसीब होती है, जीने के लिए कुछ तब भी ढूंढती थी और आज भी ढूंढती हूँ, हर रोज किसी की तलाश में निकलूं ये जरूरी नहीं समझती, जिंदगी पूरी है इतनी भी अधूरी नहीं समझती, एक अरसा बीतने के बाद परियों की कहानी सच्ची नहीं लगती, अब जब देखती हूँ अपने आप को तो बच्ची नहीं लगती। दूसरी पंक्ति है मेरी, कई बार क्या होता है कि हम मतलब कोई प्यार में होता है तो कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम चला गया, तो काश मैं वही होती जो मैं पहले हुआ करती थी, तो उस पर मैंने लिखा है, शीर्षक ये है, मैं आज मैं होना चाहती हूँ, तेरे इश्क के गिरफ्त में गिरफ्तार होना चाहती हूँ, जो कभी मुकम्मल ना हो वो इश्क होना चाहती हूँ, मुकम्मल से मतलब ये है कि वो इश्क ही क्या जो मुकम्मल हो जाए, राधा कृष्ण रोमियो जूलियट किसी को भी उठा लो, तो इसी पे लिखा मैंने, तेरे इश्क के गिरफ्त में गिरफ्तार होना चाहती हूँ, जो कभी मुकम्मल ना हो वो इश्क होना चाहती हूँ, टूटी हुई उम्मीदों को ख्वाबों के पंख लगाकर फिर से उड़ना चाहती हूँ, मैं आज मैं होना चाहती हूँ, जो तेरे होठों से निकले वो तराना बनना चाहती हूँ, जो तेरे होठों से निकले वो तराना बनना चाहती हूँ, तेरी मंजिल ना सही तेरे रास्तों का फसाना बनना चाहती हूँ, वो गांवों की गलियों गलीचे में फिर से खेलना चाहती हूँ, मेरा रूठना और फिर तेरा प्यार से मेरे घर आके मनाना वो लम्हा जीना चाहती हूँ, मैं आज होना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, चिलचिलाती दोपहरी की धूप में छांव होना चाहती हूँ, तेरे इश्क के सरकारी दफ्तर में नौकरी पाना चाहती हूँ, प्राइवेट जॉब में क्या होता है कभी हम ये जॉब करते हैं कभी वो, बट अगर सरकारी जॉब एक बार हो जाए ना तो रिटायरमेंट तक साथ जाता है, तो वही वाली बात है। चिलचिलाती दोपहरी की धूप में छांव होना चाहती हूँ, तेरे इश्क के सरकारी दफ्तर में नौकरी पाना चाहती हूँ, एक यहाँ पे ये है गुल मेहताब और खुर्शीद, आप सब यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, सबको पता होगा सूरज चांद ये सब, तो मैं बोलना चाहूंगी इसी पे, तेरी गुल तेरी मेहताब तेरी खुर्शीद बनना चाहती हूँ, यूँ तो हाले बदगुफ्तनी नहीं बयां करना चाहती, हाले बदगुफ्तनी का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, यूँ तो हाले बदगुफ्तनी बयां नहीं करना चाहती, लेकिन सच कहूँ तो आज मैं फिर होना चाहती हूँ। ठीक है, और मेरी अंतिम चंद कुछ पंक्तियाँ हैं जो कि मैं सुनाना चाहूँगी, बस इसके बाद ख़त्म ही ज़्यादा हो, तो जिसका शीर्षक है अच्छा बोर तो नहीं और अच्छा लग रहा है, ठीक है फिर पंक्ति है, आपसे जो वफा की उम्मीद कर बैठे हैं, हम किसी भी रिश्ते में हो चाहे वो टेम्प्रेरी ही क्यों ना हो वो सब वो, हाँ सर बताइए, तो क्या होता है सभी वफा की उम्मीद करते हैं चाहे रिश्ता का, ओह शिट, आप किसी भी रिश्ते में आप सब सोचते हैं कि वफा की उम्मीद सभी करते हैं चाहे वो टेम्प्रेरी क्यों ना हो, रियल हो भी ना, और अगर सच्चा है तो फिर क्या ही कहें, तो उस पर मैंने लिखा है आपसे जो वफा की उम्मीद कर बैठे, ध्यान से सुनिएगा, आपसे जो वफा की उम्मीद कर बैठे हम तो बेवफा से दिल लगी कर बैठे, आप गौर फरमाइएगा, आप कहते थे कि तू और मैं हम हैं,
तो जनाब अब क्यों कहते फिरते हैं कि तू तू है और मैं हूँ, तो जनाब अब क्यों कहते फिरते हैं कि तू तू है और मैं हूँ। तू अपने गम की यूं नुमाइश न कर, तू अपने गम की यूं नुमाइश न कर, तेरे गम से अहले दिल दहल जाता है, लविंग हार्ट अहले दिल में, तेरे गम से अहले दिल दहल जाता है। आपसे जब से मोहब्बत हो गई जिंदगी तबाह सी हो गई, न सुकून मिला उल्फते राहों में, न सुकून मिला उल्फते राहों में, न सुकून मिला उल्फते राहों में, बस गम ही गम मिला जिंदगी की स्याहों में, बस गम ही गम मिला जिंदगी की स्याहों में। आपसे जो वफा की उम्मीद कर बैठे, हम तो बेवफा से दिल लगी कर बैठे। अब एक और सुनिएगा, इब्तदे इश्क में ये मालूम ना था कि सब तदवीर मीन्स उपाय, जतन करना, जो आप समझ लो। कई बार क्या होता है प्यार में होता है, उस टाइम तो बहुत उपाय करते हैं, ऐसे करना वैसे करना, बट प्यार होने के बाद ना सब फिर हवा हो जाती है, वही वाली बात है। तो उस पे लिखा है, इब्तदे इश्क में ये मालूम ना था कि सब तदवीरें हवा हो जाएंगी मोहब्बत में मोहब्बत होने के बाद। इब्तदे इश्क में ये मालूम ना था कि सब तदवीरें हवा हो जाएंगी मोहब्बत में मोहब्बत होने के बाद। आपसे जो वफा की उम्मीद कर बैठे, हम तो बेवफा से दिल लगी कर बैठे। अंत में चंद पंक्तियां सुनिएगा, ध्यान से गौर फरमाइएगा, काफी खूबसूरती से लिखा मैंने, मेरे दिल के करीब। खुशनुमा सी जिंदगी अब हराम हो गई, अजी हम गए दिल गया और जालिम जान भी गई। आपसे जो वफा की उम्मीद कर बैठे, हम तो बेवफा से दिल लगी कर बैठे। धन्यवाद बहुत।